नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल प्ले एंड प्ले में आपका स्वागत है। और आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये है एक पोट्रोनिक्स का कीबोर्ड। अब इस कीबोर्ड में क्या खासियत है इसके बारे में आपको बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये Hydra 10 वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड विद RGB लाइट। RGB लाइट का मेरा मतलब है कि इसके अंदर आप कोई भी प्रेस करते हैं की तो उसके बैक लाइट में आपको एक लाइट्स दिखाई देती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो RGB बैक लाइट, और साथ में हमारे पास जिक्सन की कीज मिलती हैं जिसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी कीज़ को, लेकिन हमने चूज़ किया है इस ब्लू कीज़ को, क्योंकि इसके अंदर एक आवाज़ बहुत ही अच्छी सुनाई देती है जब भी आप कीज़ को प्रेस करते हैं। हालांकि आवाज़ इसमें भी आती है, लेकिन हमने इसको चूज़ किया है। चलिए अब हम इस बॉक्स के पीछे देख लेते हैं क्या खास है। इस बॉक्स के पीछे हमको ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसमें आपको मिल जाती है 1 ईयर की वारंटी। अब देख लेते हैं बॉक्स के साइड में, यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑडियो, मोबाइल एक्सेसरीज़ और PC एक्सेसरीज़, कार एक्सेसरीज़, यानी कि आप कार से भी इसके अपने स्टूडियो को कनेक्ट कर सकते हैं, PC से भी और मोबाइल से भी। अब बात कर लेते हैं इसके साइड में, ये है लिखा हुआ है यहाँ पे एफर्टलेस कंपैबिलिटी लैपटॉप iOS एंड्रॉयड PC, यानी कि आप iOS और एंड्रॉयड दोनों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डेज स्टैंड बाई मोड, यानी कि अब इसको आप 30 दिनों तक बिना चार्ज के भी चला सकते हैं, ऐसा इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। हालांकि इसको हम 3-4 दिन से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको चार्ज नहीं किया है, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बैटरी लाइफ इसमें आपको बताई गई है, करीब 2500 mAh की बैटरी दी जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यह है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, 68 टैक्टाइल कीज़, यानी कि इसके अंदर आप, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी आप कीज़ को दबाते हैं तो इसमें आप कट कट की एक आवाज़ सुनाई देती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके साइड में, यहाँ पे वही आपको लिखा हुआ है RGB लाइट, 20+ कस्टमाइजेशन, यानी कि आप इसमें कई कई तरह के लाइट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सीमलेस कनेक्शन मल्टीपल डिवाइस, यानी कि आप इसमें एक ही इस कीबोर्ड से कई सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं अपनी इस बॉक्सिंग की अनबॉक्सिंग। इसमें आपको मिल जाता है ये खूबसूरत सा वाइट कलर का कीबोर्ड जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसको आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि हम इसमें कोई भी अब कीज़ दबाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा साउंड सुनाई देता है। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाती है एक वायर, जो कि कम से कम आपको 1.5 मीटर की ये वायर मिल जाती है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे ये है Type-A to Type-C। तो रखते हैं इसको भी हम साइड में, और सबसे पहले रख देते हैं इस बॉक्स को साइड में, और देखते हैं इस कीबोर्ड की क्या खास है और इसके क्या डिज़ाइन पैटर्न दिए हुए हैं। इसके हम बैक साइड में अगर हम आपको दिखाऊं तो इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे एक इस तरीके का डोंगल स्विच, जिसको हम एक ब्लूटूथ डोंगल भी कह सकते हैं। इसको आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे लगा सकते हैं, हालांकि इसको ज़्यादातर हम कंप्यूटर पे लगाते हैं क्योंकि कंप्यूटर पे हमको ब्लूटूथ डिवाइस नहीं मिलता है, तो ये आपको इससे साथ कनेक्ट करने के लिए किसी भी PC को कर सकते हैं। साथ में आपको मिल जाता है एक पावर का स्विच ऑन ऑफ, इसको हम ऑन करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हमको इस तरीके से कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं जो कि आप देख पा रहे हो कितनी खूबसूरत है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस कीबोर्ड पे कोई भी लाइट नहीं चाहते हैं तो उस लाइट को आप कम्प्लीटली बंद भी कर सकते हैं, वो भी फंक्शन X के साथ। तो अब आप कोई भी की दबाएंगे तो कोई लाइट नहीं चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइट चले तो आप फंक्शन X के साथ इसको दोबारा से दबा दीजिए तो इस तरीके की लाइट नज़र आएगी। और बाकी मैंने आपको साइड डिटेल बताई दी है, फंक्शन इस की के साथ और फंक्शन एंटर की के साथ आप काफ़ी सारी लाइटों के साथ चेंजेस कर सकते हैं और इस कीबोर्ड को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि इस कीबोर्ड में बात की गई थी आप 20+ कस्टमाइजेशन लाइट को आप किसी भी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको इसमें फंक्शन और इस की को हमको प्रेस करना होगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कलर किस तरीके से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं। इसी तरीके से आप दोबारा इसको फंक्शन को दबाते हैं कुछ इस तरीके से, तो लाइट ऐसी, अब फंक्शन दोबारा इसकी को दबाएंगे तो कुछ लाइट ऐसी आएगी, अगर आप फिर इसको ऐसे दबाएंगे तो कुछ लाइट इस तरीके से आएगी। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, अब इसमें कोई लाइट नहीं आ रही। अब हम यहाँ पे इस तरीके से दबाते हैं तो देखिए अब सिंगल की पे एक सिंगल लाइट जल रही है। अभी हम दबा रहे थे फंक्शन के साथ इस की को, अगर हम दबा दें फंक्शन के साथ एंटर की को तो आप इस तरीके का डिज़ाइन भी देख सकते हैं। फंक्शन एंटर से और फंक्शन इस की से काफ़ी सारे आप लाइटें चेंज कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे। हालांकि लाइट्स के आगे इनकी कीज़ ज़रा कुछ कम नज़र आ रही हैं, तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छी लाइट। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आप इस की ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
इस फंक्शन के साथ इस ब्राइटनेस वाली की को आप कम ज़्यादा करेंगे तो लाइट इस तरीके से आपकी कीबोर्ड की कम ज़्यादा होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड से हम अपने कई सारे डिवाइस को कनेक्ट करने की। इसकी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि आप इसमें कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ थोड़ा सा एक दूसरे रूम में, तो चलते हैं और यूज़ करते हैं। अब कर लेते हैं हम अपने इस कीबोर्ड को अपने इस पीसी से कनेक्ट, और दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा पहले मैंने बताया था, एक डोंगल से, दूसरा है वायर से। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वायर से, और वायर से आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको कनेक्ट करना है अपने कीबोर्ड से, और ये ए साइड वाली केबल को आपको कनेक्ट करना है अपने पीसी से। सिंपली जब आप ये पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको इस कीबोर्ड पे देखेंगे एक लाइट जलती हुई नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि आपका कीबोर्ड भी साथ के साथ चार्ज हो रहा है। कनेक्ट कर दिया हमने अपनी वायर से, और हम इसको देखेंगे यहाँ पे क्या फंक्शन काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये काम कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ हॉलो काइंड ऑफ, तो ये आप हो गया इससे। तो हम निकाल लेते हैं ये वाली वायर और लगाते हैं अपना ये कीबोर्ड का डोंगल, जिससे कि हम वायरलेसली वर्क कर सकें। हमने ये लगा दिया है। फंक्शन के साथ हमको टैब ऑन करना होगा कुछ इस तरीके से, और देखा आपने कि यहाँ पे एक आर पे लाइट जली, इसका मतलब भी ऑलरेडी कनेक्ट हो गया। अगर आपका ये कीबोर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको फंक्शन के साथ आर को भी दबाना होगा, तो ये कुछ ब्लिंक करेगा इस तरीके से, और धीरे धीरे करके कुछ सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर अंदर ये कनेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी अगर लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो ये मैंने आपको दो तरीके बताए, वायर के साथ और इस डोंगल के साथ। अब बारी है हमारे इन दो मोबाइल फ़ोन को भी अपने कीबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें 5 काइंड ऑफ डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा कंप्यूटर, अब हमारे 2 डिवाइस यहाँ पड़े हैं ये, और उसके अलावा हम और भी 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको ये 2 डिवाइस कनेक्ट करके दिखाता हूँ इस कंप्यूटर के साथ भी, और इस 2 डिवाइस को कैसे वर्क करेंगे हम एक एक करके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम कनेक्ट करते हैं अपने इन दोनों मोबाइल को, लेकिन इन दोनों मोबाइल को कनेक्ट करने से पहले सबसे पहले आप इनके दोनों के ब्लूटूथ को ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद फंक्शन क्यू दबाएंगे, तो कोई भी आप किसी भी फ़ोन में जाके आप ब्लूटूथ को ऑन करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर फंक्शन हम डब्ल्यू को दबाएंगे, तो आप किसी एक के साथ किसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे अब मेरे ऑलरेडी ये दोनों के दोनों जो हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ फंक्शन क्यू दबाता हूँ, तो फंक्शन जब क्यू दबाएंगे तो अब देखते हैं ये इस पर आ गया है, यानी कि मैंने इसको इस पर कनेक्ट किया था फंक्शन क्यू के साथ। तो हम यहाँ पे जैसे कुछ भी हम दबाते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, आप देख पा रहे होंगे। अब हम चले जाते हैं अपने इस वाले डिवाइस पे, और उस डिवाइस को हमने कनेक्ट किया फंक्शन W के साथ, लेकिन बंद हो गया, तो इसको मैं फ़िलहाल ऑन कर लेता हूँ। देखिए मैंने फंक्शन W दबाया है, तो उम्मीद करते हैं इसके साथ ही कनेक्ट ज़रूर हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, यह इस तरीके से कनेक्ट हो गया है। अब आप वापस अगर जाना चाहते हैं अपने पीसी की तरफ, तो आपको यहाँ पे फंक्शन आर दबाना होगा। तो अब हम देखते हैं फंक्शन आर दबाने के बाद क्या ये हमारे पीसी से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल हो गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और ये भी कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आप 5 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर वायर है तो 1 हो गया, बाकी के आप 4 डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।